बहुत खुशी होती है कि अगर कोई मेहनत की जाए और बिना किसी स्वार्थ के वो मेहनत किसी और के लिए की जाए, या समाज के लिए हो या किसी दोस्त के लिए हो, तो अगर उसमें थोड़ी भी सफलता दिखाई देती है तो बहुत बहुत खुशी होती है। और उस दोस्त के लिए जिस दोस्त ने जान बचाई हो मेरी, मैं सुशांत की बात कर रहा हूँ। सुशांत की सिंह राजपूत के केस में कई हमें गुड न्यूज़ सुनाई दिए कि अच्छा छिछोर है, इतनी बड़ी रिलीज हो गई, छिछोरों को नेशनल अवार्ड दिया गया, सुशांत सिंह राजपूत को नेशनल अवार्ड दिया गया, अमेरिका में चंद्रमा वगैरह ये कर दिया। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के रिलेटेड कभी कोई गुड न्यूज़ ऐसी नहीं आई। आज एक न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, और ये कहीं और नहीं है, कहीं नहीं, क्योंकि आपको भी पता है रिसोर्सेस रिसोर्सेस होते हैं, और ये न्यूज़ थोड़ी सी डाइवर्ट करके, गूगल पे भी है लेकिन ये थोड़ी सी डाइवर्ट करके आपको बताता हूँ ये क्या है। सीबीआई का एक नया कदम है सुशांत सिंह राजपूत के केस में और अनिल देशमुख के भी केस में। जो मुंबई पुलिस कमिश्नर अभी जो है संजय पांडे, उनसे 8 घंटे सीबीआई की पूछताछ हुई कि उन्होंने कॉल किया और इंटरनली बात की थी परमवीर सिंह से, और बोला था कि देशमुख के ऊपर जो आरोप लगा है, वो देशमुख के ऊपर जो भी स्टेटमेंट वगैरह जारी किया परमवीर सिंह ने, वो निकाला जाए, आप उसको जोड़ दिया जाए, और इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड ना दिया जाए। हालांकि गूगल पे सुशांत सिंह राजपूत का नाम हटा दिया गया था, शायद मे भी वो इस चीज़ को सस्पेंस रखना चाहते हो या ये, लेकिन मैंने साथ ही साथ सोचा कि नहीं, एसएसआरियंस को और जो सुशांत के लिए लड़ रहे उनको एक थोड़ी सी पॉजिटिवनेस थोड़ी सी मिलनी जरूरी है कि नहीं, सीबीआई शायद काम कर रही है। मैं पूरी पूरी 100% तो नहीं बोल सकता कि सीबीआई इंसाफ देगी ही देगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ईडी के या फिर बाकी एनसीबी की जो छापे शिवसेना के ऊपर वापस चालू हो गए, पहले बंद हो गए थे, कांग्रेस के ऊपर चालू थे लेकिन शिवसेना के नेताओं के ऊपर बंद हो गए थे, तब थोड़ा सा डाउट जरूर था, लेकिन अब नहीं ऐसा लगता है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आदित्य ठाकरे के दोस्त और युवा नेता शिवसेना के जो है राहुल कनल करके, उनके घर पे 10 जगह पे ईडी के छापे हुए और बहुत सारा माल पकड़ा गया और वो उनसे इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो ऐसे ही संजय पांडे परमवीर सिंह से बात कर रहे थे रो देशमुख के केस में, वो भी अभी उनके इन्वेस्टिगेशन में आ गया, उनको पूछताछ हुई है, और कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी परमवीर सिंह को और ये संजय पांडे को, इन सबको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और इस देशमुख के केस के साथ साथ सुशांत के केस में भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो ये गुड न्यूज़ ज़रूर है, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि शायद देर से ही सही, देर ज़रूर होगी, ये मैं श्योर शॉट बोलता हूँ, इस केस में देर ज़रूर होनी है, लेकिन शायद लगता है कि 100% होना हो, 50-60-70% न्याय ज़रूर मिलेगा। और बाकी रही बात छोटे मोटे बड़े अगर लोग बच जाए तो उनको भगवान तो छोड़ना है ही, क्योंकि शिव का भक्त है, ऐसे नहीं बचेगा, इसीलिए उसने गणेश को पकड़ा है, और गणेश तो एक सिर्फ एक सिपाही है, लड़ने वाला है, और सारे इतने सारे एसएसआर फैन हैं, वो सारे शिव भक्त हैं, और ये शिव भक्त उस शिव के बेटे को इंसाफ दिला के रहेंगे। यही मेरी ईश्वर चरणी प्रार्थना है कि सुशांत को इंसाफ ज़रूर मिले, और उसके लिए जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। इस खुशखबरी को हर एसएसआरियन के साथ बांटिए, शेयर कीजिए, और ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए।